नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कई दिन से मैं लाइव क्लास नहीं ले पा रहा, थोड़ा सा बिजी था, और बिजी जिस काम में था वो मैं आपको वो काम दिखाने वाला हूं। क्योंकि हम एक लाइब्रेरी बनवा रहे थे और वो लाइब्रेरी में काम चल रहा था, तो जिसकी वजह से मैं थोड़ा बिजी चल रहा था। ठीक है, तो आज मैं तुम्हें वो लाइब्रेरी दिखाऊँगा कि लाइब्रेरी किस तरीके से हमने बनवाई है और कैसे मैं थोड़ा बहुत व्यस्त चल रहा था। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ लोकेशन हमारी, जो भी बच्चा आना चाह रहा है, मुरादनगर रेलवे रोड है। ठीक है, मुरादनगर रेलवे रोड, एक कांति रेस्टोरेंट है, उसके ऊपर बहुत नाममात्र फीस में, ठीक है, हमने ओपन की है ये लाइब्रेरी। तो आपको मैं ये फैसिलिटी दिखाऊंगा कि हम क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं। तो ये छोटा सा टूर है, आइए चलते हैं एक बार लाइब्रेरी की तरफ। आ जाइए सर, एक बार दिखा दीजिए। आ जाओ, तो ये यहाँ पर, यहाँ से स्टार्टिंग है, यहाँ से ये स्टार्टिंग है इसकी, और बड़ा शांतिपूर्ण माहौल है। ऐसी बात नहीं है कि भाई, क्योंकि आपको भी पता है कि लाइब्रेरी में किस तरीके का माहौल होना चाहिए, तो वो माहौल को ध्यान में रखते हुए हमने ये लाइब्रेरी ओपन की है। ठीक है, यहाँ से ये इसकी ओपनिंग है, ठीक है, स्टार्टिंग है यहाँ से। ये कांच वाला गिलास, मतलब जो शीशे का होता है, पूरा लगवाया हुआ है ताकि बाहर का शोर अंदर ना आए। आइए अब स्पेस दिखाता हूँ आपको सीट का। तो आज हमने छोटी सी ओपनिंग की है, ठीक है, ये स्पेस है, ये स्पेस है पूरी सीट का, तो काफ़ी स्पेस हो जाता है। और यहाँ पर आपका जो है ये बोर्ड लगाया हुआ है, जो बोर्ड है तो वो लगा रखा है इसके ऊपर। बाकी यहाँ पर आप बुक रख सकते हैं, अपना लैपटॉप चला सकते हैं, इसके ऊपर आप अपनी बुक्स अगर एक्स्ट्रा हो जाती है तो वो रख सकते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा, इसमें जो सीट है लगभग 100 प्लस में सीट है हमारे यहाँ पर, जो सीटिंग अरेंजमेंट है। और देखिए यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर दिखाइए, इस सीट की लेंथ जो है, जैसे मान लिया बहुत सारे बच्चों पर बहुत सारी बुक्स रखनी होती है, ठीक है, वो बार बार नहीं ला सकते बुक्स, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर छोड़ के जा सकती हैं। और यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी लंबाई में है, और यहाँ भी इसका एक स्विच पॉइंट दे रखा है। फिर दूसरी बात, यहाँ पर हमारी वाईफाई सुविधा है, स्पीड बहुत बढ़िया है, ठीक है, स्पीड बढ़िया है। एसी अभी रह रहे हैं, ठीक है, दो तीन चार एसी इसमें लगेंगे, तो थोड़ा अभी मतलब काम चल रहा है, कंप्लीट हो गया, मतलब एक दो दिन का काम रह रहा है अभी बाकी, ठीक है। तो वाईफाई की सुविधा है, आपका सीसीटीवी कैमरे हैं, ठीक है, और वाटर वगैरह जो भी हैं, छोटी मोटी चीज़ जो आपका हॉट और कोल्ड दोनों ही मिलेंगे। तो यहाँ पर ये फैसिलिटी है, तो ये फैसिलिटी और अनुशासन, अनुशासन का ध्यान रखते हुए बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हमने इसको सही तरीके से जमवाया है। तो जो भी बच्चा यहाँ पर आना चाहे, मैंने आपको सीटिंग अरेंजमेंट दिखा दिया कि सीटिंग की व्यवस्था क्या क्या है। चेयर्स ऐसी हैं कि चेयर्स में आप आराम से, जैसे सपोज करो बोर हो जाते हो, तो इसके साइड में वे नहीं है हत्ते, जैसे ऐसे होते हैं ना ये वाली जो वो होती है, कि इसमें बच्चे को परेशानी होती है। परेशानी क्या होती है कि जब वो सपोज करो कि बच्चा थक गया, तो थकने के बाद में ना इस तरीके से, मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ, इस तरीके से, अब ऐसे बैठना चाह रहा है वो इस तरीके से, तो हत्ते वाली में इस तरीके से एडजस्ट नहीं हो सकता। और फिर दूसरी बात, इसमें अगर आप इस तरीके से करते हैं तो यहाँ पूरा आप इस तरीके से रख सकते हैं, पूरा आप मतलब बहुत रिलैक्स फील करेंगे आप बैठ के। इतनी ऊंचाई इसकी हमने रखवाई है, ठीक है। कुर्सी ऐसी नहीं है, जो चेयर्स हैं वो बहुत ही कंफर्टेबल हैं, इस पर बैठ के आप बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे, ठीक है। थकने वाली चेयर्स नहीं है ये, जैसे ठोस होती हैं अंदर से। और हर चीज़ की मतलब जो भी फैसिलिटी होती है दोस्तों, वो देने की कोशिश करी है, बहुत नाम मात्र फीस में। कोई बच्चा आना चाहे वो आ सकता है। एड्रेस मैंने आपको बता दिया है, मुरादनगर रेलवे रोड है। लाइव क्लास इसलिए नहीं हो पा रही थी क्योंकि हम कई दिन से इसी में बिजी चल रहे थे, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि अब आपकी लाइव क्लास 9 बजे से लूँ। तो अगर आपको ये थोड़ी मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, कोई पास का हो पास का आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई दूर से हो भाई, वो रह के तैयारी करना चाह रहा हो, उसकी भी व्यवस्था है हमारे पास में, ठीक है, तो वो भी आ सकता है। तो बस इतना ही आपको बताना था। तो मैं सोचता हूँ, देखो आप भी मेरी, जो जितने भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, वे सभी मेरी फैमिली की तरह हैं, फैमिली हैं, ठीक है। तो जो भी छोटा मोटा काम मैं करता हूँ तो वो आपको दिखाना बहुत ज़रूरी समझता हूँ।
तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों को, जो दोस्त हैं जो नए हैं हमारे चैनल पे, वे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।